हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे रेजिन और वार्निशेस। ये दो एक ऐसे वर्ड है जिनका नाम आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, लेकिन इनके बीच में क्या माइनर डिफरेंस है और इनका यूज़ कहाँ कहाँ पे हम करते हैं, आज के टाइम में इनका यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जा रहा है, ये कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में मैं कवर करूँगी, तो वीडियो पूरा देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रेजिन और वार्निशेस दोनों क्या होते हैं। तो एक मैं बहुत ही सिंपल सा क्लियरली इसको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। वार्निशेस जो होते हैं वो रेजिन से मिलकर बने होते हैं। रेजिन एक ऐसा गम होता है जो कि हमें पेड़ों से मिलता है, ट्री से मिलता है, ट्रीज के सेक्रेशन से मिलता है, ठीक है। ये जो गम होता है, ये इस तरीके का गम होता है, जब हम बहुत सारे गम्स को इकट्ठा करते हैं, उसके बाद उसमें कई सारे प्रोसेस होते हैं, उसके बाद हमको एक ऐसा मटेरियल मिलता है जो कि वार्निश कहलाता है, ठीक है। अब पहले के टाइम में क्या होता था, जितने भी नेचुरल रेजिन्स होते थे जो कि प्लांट्स के सेक्रेशन से मिलते थे, उसके अंदर कई सारे इंपॉर्टेंट टाइप के रेजिन्स होते थे जो कि आज भी यूज़ किए जाते हैं, जिनमें आता है डामर, कोपल एंड रोजिन। इमेज में ये तीनों तरीके के रेजिन्स आप देख सकते हैं। फर्स्ट नंबर पर है डामर, दूसरा है कोपल एंड जो थर्ड वन है वो है रोजिन। ये तीनों ही एक तरीके के गम होते हैं जो कि पेड़ से हमें मिलते हैं, ओके। पहले हम बात करते हैं डामर। देखिए, डामर जो होता है इसे हम डामर गम भी कहते हैं, ठीक है। जनरली ये हमको टैपिंग ट्री से मिलता है, ओके। एंड ये जो गम होता है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है रेजिन्स बनाने में। आपने डामर का नाम तो वैसे भी काफ़ी बार सुना होगा, ओके। अब बात करते हैं कोपल की। देखिए, कोपल एक तरीके का ट्री होता है और इस ट्री से हमको कोपल गम मिलता है। ये जो आपने कोपल, ये जो आप इमेज में देख रहे हैं, ये इमेज देखने में ही काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्टिक लग रही है, क्योंकि इसके अंदर जो जो डिज़ाइन होता है, वो जो शाइनिंग होती है, जो लुक होता है, वो इतना ज़्यादा अल्ट्रा ग्लॉसी होता है, जो कि बाद में जब आप कोई आर्ट बनाते हैं, कोई डिज़ाइन बनाते हैं, कोई आप रेजिन की कोटिंग करते हैं, तो जो फिनिशिंग वाला लुक आता है, जो एक लग्जूरियस लुक आता है, वो इसी वजह से आता है, ठीक है। ये जो कोपल होता है ये एक तरीके का एरोमेटिक ट्री होता है, जिसकी वजह से कोपल एक तरीके का एरोमेटिक गम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं रोजिन की। देखिए, इसका नाम रोजिन है। रोजिन एक तरीके का गम होता है जो कि रेजिन की एक सॉलिड फॉर्म होती है। जब हम रोजिन को मेल्ट करते हैं तब हमें रेजिन मिलता है। इसे हम कोलोफोनी भी कहते हैं या फिर ग्रीक पिच भी बोलते हैं। ये एक तरीके की रेजिन की सॉलिड फॉर्म होती है। ये हमें पाइंस के जो ट्री होते हैं वहाँ से मिलता है हमें। यानी ये तीनों ही टाइप के गम होते हैं जो कि हमें ट्री से मिलते हैं, डामर, कोपल एंड रोजिन। अब ये बनते कैसे हैं? पहले क्या होता था, इन तीनों टाइप के गम्स को साथ में कलेक्ट कर लिया जाता था, और भी बहुत सारे डिफरेंट काइंड के गम्स होते थे जिन्हें सबको कलेक्ट कर लिया जाता था। उसके बाद इनको हीट किया जाता था, इनको गर्म किया जाता था। इसके अंदर कुछ नेचुरल ऑयल्स मिलाए जाते थे, जिनके अंदर लिनसीड ऑयल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक ऑयल होता था। लिनसीड ऑयल मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था, उसके अंदर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। जब ये सारे रेजिन्स को हीट किया जाता है, उसके बाद इसके अंदर लिनसीड ऑयल मिलाया जाता है, उसके बाद ये जो मिक्सचर तैयार होता है, इस मिक्सचर को एक डिजायर्ड कंसिस्टेंसी तक, एक डिजायर्ड विस्कोसिटी तक कुक किया जाता है। इसकी विस्कोसिटी कैसी रहती है? देखिए, जैसे आपका हनी होता है, हनी की जो विस्कोसिटी होती है, या फिर जो रिफाइंड ऑयल्स होते हैं उनकी जो विस्कोसिटी होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी ही विस्कोसिटी वार्निशेस की भी होती है। उससे थोड़ी सी थिक होती है इसकी जो विस्कोसिटी होती है, वो थोड़ी सी थिक होती है। तो उस विस्कोसिटी तक इनके मिक्सचर को कुक किया जाता है, उसके बाद उन्हें डाइल्यूट करने के लिए उनके अंदर टर्पेंटाइन ऑयल मिक्स कर लिया जाता है। उसके बाद इवेंचुअली जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो होते हैं वार्निशेस, ओके। अब वार्निशेस हमें मिल गए। अभी वार्निश का हम यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं? तो जितना भी हम वुडन का काम करते हैं, वुडन का फर्नीचर बनवाते हैं, गेट बनवाते हैं, डोर बनवाते हैं, फ्लोरिंग करते हैं, कोई हम कैनवास पे पिक्चर बना रहे हैं, या फिर कोई पेंटिंग बना रहे हैं, एक्रेलिक पेंटिंग बना रहे हैं, तो उसके ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा शाइनी लुक देने के लिए, एक शाइन फिनिश देने के लिए हम वार्निशेस का यूज़ करते हैं। देखिए, जब भी हम कोई वुडन फर्नीचर्स बनाते हैं तो क्या होता है, वुड एक नेचुरल है, वुड हमारे बिल्कुल एक नेचुरल एलिमेंट, नेचुरल मटेरियल जो कि हमें ट्री से मिला है। तो जब उसका फर्नीचर बनाया जाता है तो उसकी जो अपर सरफेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा रफ होती है, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी सारे छोटे छोटे वुड के पीसेस निकले हुए होते हैं। तो उन सबको इवन करने के लिए, एक ग्लॉसी फिनिश देने के लिए हम क्या करते हैं, वार्निश की कोटिंग करते हैं। ये जो वार्निश की जब हम कोटिंग करते हैं, ये 3 से 4 दिन के अंदर अच्छी तरीके से सेट हो जाती है, हार्ड हो जाती है, और उसके बाद एक बहुत ही सुंदर और एक बिल्कुल ग्लॉसी लुक देती है। अच्छा, ये पूरा प्रोसेस हो गया है, लेकिन इस प्रोसेस के बीच में क्या क्या स्टेजेस आएंगे, यानी कि
जब हमने वार्निश अप्लाई कर दिया, वार्निश की कोटिंग कर दी हमने, लेकिन उस कोटिंग से लेकर वार्निश के ड्राई होने तक बीच में क्या क्या रिएक्शंस हुई वो भी हम एक बार जान लेते हैं। तो देखिए, जैसे ही हम वार्निश की कोटिंग कर देते हैं, तो कोटिंग करने के बाद क्या होता है, इसके अंदर जितने भी सॉल्वेंट्स होते हैं, जो भी हमने इसके अंदर मिलाए हैं, जिसके अंदर कई सारे गम्स थे, लिंसीड ऑयल था, ये सारे जितने भी सॉल्वेंट्स हम मिलाते हैं, इनका जो पोर्शन मिलाते हैं, वो धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेट होने के बाद इसके अंदर जो रिमेनिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स मटेरियल मिलते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं या फिर पॉलीमराइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज होने के बाद जो एक सर्फेस मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल होती है और एक ट्रांसपेरेंट फिल्म होती है, ठीक है। अब जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो वार्निश लिक्विड होते हैं वो एक तरीके का कोटिंग मटेरियल होता है, जो कि रेजिन से मिलके बना होता है, वो धीरे धीरे करके ड्राई होता है, एक हार्ड ट्रांसपेरेंट फिल्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके अंदर क्या क्या यूज़ किया गया था, इसके अंदर यूज़ किया गया था रेजिन, यूज़ किया गया था ड्राइंग ऑयल, यूज़ किए गए थे ड्रायर, यूज़ किए गए थे और कुछ वॉलेटाइल सॉल्वेंट यूज़ किए गए थे। अब ये जितने सारे ये जो मैटर्स हैं, यानी कि जितने भी सॉल्वेंट्स हैं, वो क्या हुए, इवेपोरेट हो गए। इवेपोरेट होने के बाद जो रेजिडुअल मटेरियल बचा वो धीरे धीरे करके ऑक्सीडाइज हुआ या फिर पॉलीमराइज हुआ। ऑक्सीडाइजेशन होने के बाद क्या हुआ, जो हमें अपर सरफेस मिली वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट थी, काफ़ी ज़्यादा ग्लॉसी थी, काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस एक सरफेस हमको प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। तो ये तो हुआ जनरली वार्निशेस किस तरीके से वर्क करती हैं, कैसे इसकी कोटिंग शाइनी लुक हमको प्रोवाइड करती है। अब देखिए, जो वार्निश होते हैं जनरली हम इनका यूज़ कहाँ करते हैं, हमने पढ़ लिया, वुडन फ्लोरिंग में करते हैं, कोटिंग करने के लिए करते हैं, वुडन सरफेस की पेंटिंग्स के अंदर करते हैं, बहुत सारे जितने भी डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे इंस्टाग्राम वगैरह पे, फेसबुक पे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे लोग टेबल्स बनाते हैं, उसके अंदर एक लिक्विड डालते हैं, वो जो लिक्विड डाला जाता है वो रेजिन का लिक्विड होता है जनरली, वो जो जैसे ही वो उसके अंदर लिक्विड पोर करते हैं, टेबल के जो अंदर डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन का जो कटआउट होता है उसके ऊपर जो लिक्विड पोर किया जाता है, फिर धीरे धीरे करके उसको सेट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। जैसे ही वो सेट होता है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाता है, उसके बाद उसके ऊपर वार्निश की क्या कर दी जाती है, पॉलिश कर दी जाती है, जिससे उसका जो लुक होता है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर निकल के आता है। अब उसके अंदर जो डिज़ाइंस होते हैं वो आपको मैंने बताया, वो कोपल के थ्रू वो डिज़ाइंस उसके अंदर जनरेट होते हैं, बहुत सारे डिज़ाइंस उसके अंदर आ जाते हैं, ओके। ये जो वार्निश होता है वो क्या करता है, किसी भी फर्नीचर की जो अपीयरेंस होती है उसको काफ़ी ज़्यादा निखारता है, आपका जो इंटीरियर है उसको बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी लुक देता है, ग्लॉसी फिनिश देता है। तो ये तो था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा, वार्निशेस क्या होते हैं, रीजंस क्या होते हैं, दोनों को मैंने सेपरेटली एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे, अच्छा लगे, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने एजुकेशनल ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। अगर कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, कोई डाउट हो, या फिर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हो, तो आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और मैंने बहुत सारे वीडियोज़ डाले हुए हैं अपने चैनल पर, आप उनको भी एक बार विजिट कीजिए। और अगर आपको मेरे चैनल पर आने वाले सारे वीडियोज़ अच्छे लगते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।